यार जी, ये तो बहुत बुरा हैंड हो गया मेरे साथ। अच्छा कंफर्म यार, ये फेक है कंफर्म। बे यार, ये बुड्ढे ने यार, सॉरी। अच्छा ठीक है, तू एक काम करना, तू मुझे ये सारे के सारा जितना भी ये इंटियन है सारी मुझे वापस बैग में डाल दे। हाँ, तू मुझे बैग में डाल दे, फेक है या रियल है जो भी है तू उसको बैग में डाल। ओके ओके, जल्दी थोड़ा। हाँ थोड़ा जल्दी चल यार। सॉरी, मैंने वैसे ही तेरा टाइम वेस्ट किया। फिर देखूँगा, अगर कोई मैं दूसरा माल मिला तो आऊँगा तेरे पास, ठीक है? हाँ, सही है सही है, चलता हूँ। क्या यार, स्कैम हो गया मेरे साथ। मैं लोगों के साथ स्कैम करता हूँ और उस चाचे ने मेरे साथ ही स्कैम कर दिया बे। शिट बे, इसका फ़ोन आ रहा है। शिट, अभी मैं इसको क्या जवाब दूंगा फरजाना को यार। हाँ हेलो, हाँ हेलो, क्या बना फ्रैंक? किसका क्या बना? अरे क्या मतलब किसका? गोल्ड सेल करने गए थे ना? क्या मतलब, कितना रोकड़ा मिला है? रोकड़ा? अच्छा मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? तो बता तो दो मुझे। अभी मैं थोड़ा उसके साथ डील कर रहा हूँ ना, आता हूँ मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ बस। अच्छा चलो पहुंचो दस्ती। हाँ पहुँच रहा हूँ दस्ती यार। अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये नकली सोना है, उसने जो मेरी दिमाग की दही करनी है, कसम से समझ में नहीं आ रही मुझे। क्या करूं मैं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से डाका मारा एक। ओए होए 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 होए, ये चेक करो भाई, ये तो मुझे बाइकर गैंग लग रहा है। बाइकर गैंग तो नहीं, लेकिन बाइक्स चेक करो यार। नाइस। ओह, अरे बाप रे बाप, जालिम। वैसे तो मेरी बाइक किसी से कम नहीं है, लेकिन ये चेक करो यार। ओए होए होए होए, क्या शेप है यार बाइक की, जबरदस्त यार। क्या बात है यार, क्या बात है। काश यार मैं एक दफा टेस्ट करके चेक करता बाइक। हेलो हेलो जी, जी भाई क्या कर रहे हो तू मेरी बाइक के साथ हैं? अरे कुछ नहीं भैया, मैं बस चेक कर रहा था, मतलब देख रहा था। बहुत प्यारी बाइक, आपकी बाइक है? हाँ मेरी बाइक है, क्या मसला तुझे? नहीं भाई, क्या हो गया मुझे, क्या प्रॉब्लम होगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बाइक है, इसलिए मैं देख रहा था नज़र ना लगे यार। शुक्रिया शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास बाइक नहीं है? बाइक मेरे पास है माशाल्लाह, वो भी अच्छी बाइक है, लेकिन भैया यार आपकी बाइक, वाह भाई ज़बरदस्त यार, कसम से। क्या मतलब, कोई रेसिंग वगैरह करते हो आप? हाँ हमारा ये अपनी टीम है, ग्रुप है, रेसिंग करते हैं। आपको मतलब रेसिंग आई आती है, कभी की है? रेसिंग कभी की तो नहीं है, मैं बहुत पहले करता रहा हूँ, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से छोड़ दिया है वैसे मैंने। क्या सीन क्या है? अरे भाई कल रात को हमारी रेस है, बाइक तैयार करने हम इधर आए थे, तो दो दो मेंबर कम हो रहे थे, तो हमने कहा कि चलो। क्या मतलब दो मेंबर कम हो रहे हैं? हाँ, दो मेंबर की बस कमी थी, तो ग्रुप हेड वो कह रहा था कि भाई अगर दो मेंबर किसी तरह कर लो तो फिर कल रात को रेस होगी। और क्या उसका प्राइस क्या है, रेस का प्राइस क्या, ये तो बताओ भाई। प्राइस जानी हमारी एक्चुअली जो रेस है, वो जो जिस ग्रुप के साथ हमारी रेस है, वो दूसरी कंट्री का ग्रुप आ रहा है, ठीक है, कल पहुंच जाएगा वो, तो उस हिसाब से 10 लाख जो है वो प्राइस रखी है। 10 लाख? हाँ जानी। अच्छा मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको, और सेकंड जो आएगा वो? सेकंड वाले को शायद मेरा ख्याल 3 लाख बता रहा था बॉस। ओके ओके, और क्या डिमांड क्या है, कोई डिमांड तो नहीं है? भाई आपने पार्टिसिपेट करना है तो मैं आपका नाम दे देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो यार प्लीज़। हाँ, नंबर ले लो, कोई मसला नहीं है। अगर मेरा प्लान बनता है, अगर माइंड बनता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वैसे बाइक तो है मेरे पास। हाँ ठीक है, नंबर आप ले लो, तो कभी भी आप मुझे आज रात को बस बता देना, मतलब कि 9 बजे से पहले पहले। ठीक है भाई, मैंने आपका नंबर ले लिया, तो मैं हो सकता है कि आपको ना शाम से पहले ही बता दूँ कि मैं मतलब कि आ रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? हाँ लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है,
एक आपकी बाइक आपकी अपनी होनी चाहिए, दूसरा अगर आप हार गए तो जो बाइक आप लेकर आओगे वो जो ऑपोजिट टीम होगी उसको जाएगी वो बाइक। हैं, ये कौन सा रूल है यार भाई, मैं रेस करता रहूँ, ये मेरी फर्स्ट रेस नहीं है, लेकिन ऐसा रूल कहीं नहीं होता। अरे यार ये हमारी बाइक्स देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी बाइक ये हमारी बाइक से महंगी होंगी, हम कल से मतलब एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं बस किसी तरह रेस जीत जाएं और हमारी बाइक हमसे ना जाए और पैसे भी आ जाएं और उनकी बाइक्स भी आ जाएं। लेकिन अगर हार जाते हैं तो सारी बाइक्स उनकी। जी भाई, सारी बाइक्स भी उनकी और 10 लाख का प्राइस भी उनका, ये अब बॉस के रूल हैं। ओहो अच्छा, फिर तो यार मुश्किल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, सोच के बताऊँगा। देख लो एक और मेंबर चाहिए, अगर आप अरेंज कर दो तो अच्छा है। मैं देखता हूँ ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। हाँ सही है, आगे से हटो ना यार। यार ये क्या, इसने चवल मारी है लास्ट में कि भाई हारने वाले की जो बाइक होगी वो जीतने वाले के पास चली जाएगी। ये क्या बात हुई, ये कौन सी यार, ये कौन से रूल है भाई, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। वैसे यार अगर इन केस अगर मैं जीत जाता हूँ, और जीतने के बाद एक तो 10 लाख, दूसरा जो उसकी बाइक होगी जिससे मैं जीतूंगा वो भी अपने पास, नॉट बैड यार। लेकिन यार अगर मैं हार गया तो फिर उतना नुकसान भी है, और मैं अपनी बाइक को तो यार दाव पे नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक चीज़ जो हाथ में है उससे भी जाऊं। ठीक है तो नहीं यार, आई थिंक सो ये आइडिया अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करूँ यार, एक तरफ इस गोल्ड ने जो तंग किया है ना, कसम से बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं यार। बड़ी उम्मीदों से मैं गया था और बहुत बहुत मुश्किल से वो चोरी की थी। और वे क्या कर रहे हैं यार, पहले दिमाग की दही हुई हुई है। रुक, तुझे मैं बताता हूँ पुत्र, रुक यार। और तू तो देख के चलाना साईं, तू तो देख के चलाना, हट निकल इधर से। गाड़ी को मेरी स्क्रैच तो नहीं आ गया यार, ये की इकलौती गाड़ी मेरी जिसका मुझे सहारा है। और देखा क्या बंदा करे यार, एक तो पहले ही मूड मेरा ऑफ हुआ है, ऊपर से बगैरतों के साथ भी डील करना पड़ता है मुझे। तो यार क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही अब मेरे पास। एक तो मैं इतनी मुश्किल से उस चाचे की खोज लगाई उस घर की, इतना आलीशान घर था, लेकिन अंदर यार उन्होंने फेक गोल्ड रखा हुआ है। वैसे मैं नहीं मानता फेक है यार, लेकिन यार वो सुनारा जो है अपना जानने वाला है यार, काफ़ी पुराना बंदा है। जब भी मैं गया हूँ उसके पास उसने मुझे अच्छा रेट भी दिया और दो नंबर ही नहीं की मेरे साथ, तो वो मेरे साथ झूठ तो बोल नहीं सकता। तो अब आई थिंक ये सोना मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन खुद को तो मैंने समझा लिया, पर फरजाना को कौन समझाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। चलो अब समझाना तो पड़ेगा यार। हो भाई वो भी क्या दिन थे यार, जब आपका भाई रेसर हुआ करता था, याद तो होगा यार, जिम्मी के साथ भी रेस की हुई मैंने शायद। हाँ जिम्मी बड़ा पुराना यार था, अभी तो एक अरसा हो गया उससे मिले हुए भी। गाड़ी को अंदर ही रख दूँ, खुल जा सिम भाई, इसे क्या हो गया डोर को। चलो इधर ही खड़ी कर देते हैं। दुआ करो यार फरजाना सो रही हो। वैसे तो यार घर जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन चलो बिस्मिल्लाह। नहीं है ना इधर, किधर है फरजाना। किधर हो, कर देती हूं, ओ, ये भी कर लेती हूं। नहीं, यार ये तो सामने खड़ी हुई है, ये तो आईफोन 16 तो बिल्कुल छोड़ने के काबिल नहीं है, इसको तो ले के रहूंगी डनोवन की। अब बस नहीं, ये भी कर लेती हूं, दो और 20 में। हेलो किधर बिजी हो, इधर देखो ना, बोलो। हाँ अरे फ्रैंक तुम आ गए, चलो निकलते हैं, अभी मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लिस्ट मैंने क्या टॉप की लिस्ट बनाई है मैंने, चलो अब निकलते हैं। कौन सी लिस्ट है और किधर निकलना है, क्या मतलब शॉपिंग की लिस्ट बना ली ना मैंने, सारी कंप्लीट हो गई है। हाँ तुम्हारे लिए जो चीज़ें मुझे बहुत
ज़्यादा ज़रूरी थी वो भी मैंने लिख ली है, लेकिन मैं तुम्हें मोटी मोटी चीज़ें अगर बताऊँ तो उसमें मेरी गाड़ी भी है जो मुझे चाहिए, और आज शाम को ही, तो बाकी भी सारे काम की मैंने लिस्ट बना ली है, घर की जो चीज़ें मुझे चाहिए थी इम्पोर्टेंट वो भी, और मुझे कोई भी चीज़ जो है वो लोकल नहीं चाहिए, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए। अरे भाई सुन तो ले ना, बात तो सुन ले पहले। अच्छा बताओ तो सही मुझे रोकड़ा कितना मिला है? अच्छा चलो नहीं पूछ रही, नहीं पूछ रही, नाराज़ मत हो, नहीं पूछ रही, लेकिन ये है कि अब ले तो चलो ना यार, निकलो अब, मतलब मुझे तो लगा था तुम उछलते हुए आओगे, तो तुम्हारी ये शक्ल क्यों लटकी हुई है? शक्ल लटकी हुई है पर अभी हैंड हो गया यार अपने साथ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, ये जो मुंह बना रहे हो, ये मुंह बनाने का मतलब ये तो नहीं टोपी तो करवाने के चक्कर में नहीं है मुझे? एक मिनट सुनो, जा किधर रहे हो यार, सोना नकली निकला है। What? सोना नकली निकला है? Yes. ये कैसे मुमकिन है? दिखाओ इधर मुझे, झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक काम कर ना फिर, ये ईंटे लेके जाओ उस चाचे के पास और चाचे से खुद ही पूछ ले कि नकली है कि असली है, ठीक है, जिसे हमने चुराया है। बस हैंड हो गया, अब क्या कर सकते हो, मुझे क्या मालूम था कि चाचे के पास नकली सोना था। यार मुझे लगता है जो मेरा आइडिया कह रहे हैं ना, तो तुम इस टाइम सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो, किस्मत ऐसी मरी हुई है कि तुम्हें शॉपिंग ना करवानी पड़े मुझे। अरे भाई मेरी तरफ से अगर ये जितना अच्छा, पैसा मिलता ना उसकी आदी की तुम बेशक शॉपिंग अच्छा, कर लेती, मुझे क्या फर्क पड़ता। साफ इनकार कर दो ना, साफ इनकार कर दो कि ठीक है मुझे शॉपिंग नहीं करवानी, लेकिन एटलीस्ट इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो यार। तुम्हारे साथ मैं गई हूँ, तुम्हारे साथ चोरी करवाई, सारी चीजें राजदारी में रखी, और मुझे ना तुम्हारे साथ पहले ही चले जाना चाहिए। कसम ले लो भाई, मुझे मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी तक खुद शौक में हूँ, लेकिन ये सोना बेटा नकली है यार, और हमारे जो ड्रीम्स और हमारी जो और तुम्हारी वो जो शॉपिंग की लिस्ट थी, बेशक तुम उसको जला दो। डोंट से मी, डोंट से मी फ्रैंक, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती ये सब कुछ। मैंने मैंने बहुत कुछ सोच रखा था यार, ये किस तरह से हो सकता है, मुझे बताओ कि ये घर का किस तरह से सर्कल, अच्छा घर के सर्कल को तो मारो गोली, मेरी चीजें किस तरह से बुरी होंगी। बहरहाल आज हमें फिर से भिंडी खानी पड़ेगी और वो भी गोश्त के बगैर। आई एम सॉरी फ्रैंक, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे आइडियाज फ्लॉप है। मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था ये बाबे पक्का नहीं रहना, नहीं रहना पक्का। यार तुम्हारा मसला क्या है हाँ, बजाय इसके कि तुम्हें शर्मिंदगी हो कि तुम एक अच्छे चोर साबित हो ही नहीं सकते। हमेशा बोलती है नहीं रहना, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर जाती है। ये घर मेरा है यार, अभी इसमें मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है कि वो सोना नकली निकला है? मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी यार, और हमने वहां से ईंटें उठाई भी थी, हमें मिली भी थी, तो अब नकली निकले, उस बाबे ने नकली रखा हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। जितनी एफर्ट उस चोरी के लिए की थी, किसी अच्छे काम में की होती तो शायद शायद अच्छा। खैर थोड़ा सा जो मूड ऑफ हो गया उसको थोड़ा रिलीज करने के लिए एक और न्यूज़ है। बताओ अब क्या रह गया है? फिलहाल तो अब इसको तुम भूल जाओ, ये जो हमने कल चोरी की है रात को, जो मेहनत की है इसको दफा करो। अभी एक न्यूज़ ये है कि रेस है, एक आदमी मुझे मिला वहाँ से आते हुए, वो बोला कि भाई हमारी कल रात को रेस है किसी ग्रुप के साथ, किसी और गैंग के साथ, तो कहता है कि दो बंदे मिसिंग हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है अच्छा। तो आप कर सकते हैं। हाँ नहीं तो अब तुम्हारा क्या दिल है? तुम्हारा ये दिल है कि अब तुमने वहाँ जाके जो तुम्हारे पास ये भूली बसरी एक टूटी फूटी बाइक है, मतलब अब उससे भी हाथ धोना है हाँ? तुमने रेस के नाम पे जैसे पहले तुम लेकर गए हो चोरी करते हैं, हम कर बात सकते तो सुन हैं, लेना, जीतने हैं। वाले को, जीतने वाले को 10 लाख इनाम है, प्लस क्या जिसके अगेंस्ट जीतेगा उसकी बाइक भी गिफ्ट मिलेगी। ओ माय गॉड, डोंट से मी फ्रैंक। फ्रैंक चलो ठीक है, डन हो गया। ऐसे कैसे डन हो गया, लेकिन तो हार गए तो बेटा अपनी बाइक भी तो जाएगी ना। अरे तो तुम्हारे बाइक में है क्या खट्टा? बाढ़ में जाओ भाई, मैं ऐसी तुम्हें बता के गलती कर बैठा यार। फ्रैंक मेरी सुनो, मैंने कहा चलो उसका मूड थोड़ा फ्रेश कर दूंगा, अब तुम मेरे सर पे मत चढ़ना। मैं उस रेस पे नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम जाओगे और वो रेस तुम जीत सकते हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम कर सकते हो यार। तुम मतलब अपना यार एक अरसा हो गया मैंने रेस नहीं की हुई यार, एक अरसा हो गया, तो तुम कर सकते हो अब, तुम्हारे अंदर वो जरासीम कहीं ना कहीं मौजूद है। हाँ मैं मानती हूँ तुम इतने अच्छे चोर नहीं हो, बट मैं ये भी मानती हूँ तुम एक अच्छे रेसर हो। हाँ यार वो दौर चला गया यार जब मैं रेसिंग किया करता था, बट अब मुझे नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है मैं अगर हार गया, और उनके पास वैसे बाइक्स बहुत एडवांस है, ठीक है, बाइक तो वैसे मेरी भी किसी से कम नहीं है, बट स्टिल मुझे डर है अपनी बाइक खोने का। ओके ओके मान लो कि तुम बुजदिल हो, मान लो कि तुम डरते हो, मान लो कि तुम्हें डर लग गया है कि तुम उन लड़कों से हार ना जाओ। हाँ 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 ठीक है ओके मैंने मान लिया, बुजदिल नहीं हूँ मैं यार। अच्छा तो फिर ओके करो रेस के लिए।
लेकिन यार जाना किधर है, जाना किधर है, मतलब नाम मुझे नहीं लिखवाने पता अभी किस वो तरह, लोकेशन क्या भेजेगा, कह रहा था मुझे फ़ोन करना अगर ओके हुआ तो। तो नंबर है उसका? तो हाँ नंबर ले लिया था। यार अभी करो ना उसको, अभी कॉल करो, तुम पार्टिसिपेट करोगे, मैं तो कहती हूँ मुझे भी ले जाओ, अच्छा है, अगर तुम ना जीते मैं जीत जाऊंगी। अच्छा माशाल्लाह, मेरी बाइक को मतलब कि फुल हाई रिस्क पे चल लगा देते हैं। हाँ अगर तुम से बच गई तो मेरे हाथों तो डूबेगी डूबेगी, तो मैं तो कहती हूँ मेरा नाम भी डलवाओ और अभी उसको कॉल करो। अरे छोड़ो ना यार, अब मुझे नहीं, बस रहने दो, कोई और प्लान करते हैं यार तुम कोई। हो ही, तुम अच्छा ठीक है मान लो कि तुम लूजर हो, तुम अपने माथे के ऊपर स्टैंप लगवा लो कि तुम लूजर हो, तुम नहीं कर सकते हो यार, यार तुमसे जिंदगी में होना बकवास ही बंद कुछ भी करो नहीं है। यार, हाँ ठीक है नहीं मैंने लगानी मान मैंने। लिया, मैंने मान लिया कि तुम्हें कुछ भी तुमसे क्या नहीं हो मान सकता, लिया? तुमसे कुछ भी नहीं, तुमसे एक अच्छा चोरी तो कामयाब हुई नहीं है, रेस क्या खाक जीतोगे तुम यार। और असल बात चैलेंज, ये है, चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ खुला चैलेंज है अच्छा मेरी तरफ से, खुला चैलेंज है सब्र तुम्हें। कर। ओ माय गॉड, हेलो, हाँ भैया बताओ। यार भाई रेस कब है? तो फिर आप इन्नू? हाँ मैं इन्नू, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ फिर। हाँ ठीक है, डन हो गया, अरे ये चीज मेरे कल शाम 9 बजे अजीज रेस है, ठीक है? क्या बात हाँ है, उस अब दिन रहने के मजा बाद मुझे मत आएगा। कहना। और हाँ ये मेरा तुमसे चैलेंज है, मैं वो रेस जीत कर दिखाऊंगा, अरे चाहे वाह, वो दुनिया की बल्कि कावासाकी निंजा H2R ले आए, ओ तब माय भी मैं जीत के गॉड, दिखाऊंगा अपनी इस बाइक से। अरे बड़े जज्बाती हो रहे हो, हाँ याद है ऐसे बड़े लूजर बड़े बोल रही है डायलॉग मुझे। बोले थे चोरी करते हुए भी जब गए थे, मैं लेके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, और हाँ नकली सोना उठा के ले आया गंजा। बेटा इस बार तुझे मैं रेस जीत कर दिखाऊंगा, ठीक है ना? और तू सबसे पहले होगी जो तालियां बजाएगी वहां पे। अरे जरूर क्यों नहीं, और 10 लाख का प्राइज मेरे हाथ में आएगा, मुझे क्या जरूरत है कि मैं तालियां ना बजाऊं या मैं पीछे हो जाऊं, ए प्राइस तेरे पास क्यों आएगा भाई? क्योंकि उसमें रेस पूरा मैं हक मेरा करूंगा? है। नहीं, रेस मेरी, पैसा मेरा, ठीक है? हाँ रेस तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा, और शॉपिंग मेरी। वो चलो अब देखेंगे। तैयारी पकड़ो रात के लिए। ठीक है, देखेंगे देखेंगे। हाँ चैलेंज किया ना इसने, इसको मैं दिखाऊंगा पुत्र। हाँ भाई माना कि यार एक अरसा हो गया रेस नहीं लगाई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई अब बाइक नहीं चलाने आती है, लगा नहीं सकता, ये डरपोक हूँ मैं, बताऊँगा। अबे यार ये किधर इन्होंने पहुंचा दी है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ओ ये कौन सी रेस है बे? खैर वाओ फ्रैंक, चेक कर यार ट्रैक चेक कर। ये ट्रैक पे रेस होगी शायद, ये तो स्टंट रेस मुझे लग रही है। हाँ लग तो वही रही है लेकिन है बहुत फंटेस्टिक यार, पैसा लगाने वाले ने तो तबाही फेर दी है। पता नहीं यार रेस शुरू हो गई है कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रही। बोला तो बाइकर था गैंग तो वही मेरा लग रहा है मुझे। टाइमली निकलो टाइमली निकलो, लेकिन नहीं। किस ग्रुप के साथ हमारी रेस है? टाइमली क्या, घंटा निकलो यार, क्या मतलब आज भी मैंने क्या मेकअप पे टाइम लगाया है? मुझे आज तो नहीं पता, सारी लेकिन केयर अब तुम्हारी और लगी साईं है। बुलाए इस टाइम है ना, मैं क्या करूं? अच्छा तो मेरा ख्याल ये दूसरा ग्रुप है इनको, और ये सारे ऐसे क्यों खड़े हुए हैं यार? ओए ओए फ्रैंक, हाँ फ्रैंक भागो यहाँ से, क्या हुआ है? एवरी मैं टाइम आई वैसे कैन भागने तो वैसे भी मैं रीच वाला ही हूँ, लेकिन क्या हुआ है? यू। नहीं, फ्रैंक उस तरफ मुंह मत करो, वो पहचान लेगा हमें। कौन यार वो बुड्ढा, कौन सा? अरे वही बावला कव्वाल जिसके घर से हमने सोना चोरी ओ किया था। ओ ये इधर क्या कर रहा है बे, ये इधर क्या कर रहा है? नहीं, शुक्र है मैंने हेलमेट नहीं उतारा हुआ था। यार फ्रैंक मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकलते हैं पतली गली से। कैसे निकलते हैं भाई? एक तो सोना उसका फेक निकला है, उसके बल्कि एवरी पूछता हूँ कि टाइम, भाई तूने ये सोना जो है ना वो नकली क्यों रखा हुआ था? अरे बस करो यार, यार वैसे इसका इधर फ्रैंक, क्या काम है, कर क्या रहा है ये? ओ यार एक मिनट, वो आदमी किधर है यार? फ्रैंक किसी को बुलाओ। ओए फ्रैंक, फ्रैंकलिन मिलो। हेलो, हाँ यार भाई मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ यार, ये क्या, ये कौन सी रेस पे आपने मुझे बुलाया है? यार फ्रैंक तेरा सहारा है बस, तू तू ही हमें जिता सकता है। मैं कैसे जिता सकता हूँ, मतलब रेस हो गई है क्या? रेस हो गई है फ्रैंकलिन, किस किस की हुई है रेस? उनके दो बंदे जीते, हमारे दो बंदे जीते, यानी रेस इस वक्त बराबर है फ्रैंकलिन, और आखिरी बंदा तू है अब हमारा, तू ही हमें बचा सकता है अब। तो उनके तीसरे बंदे ने रेस लगाई है? नहीं, उसने भी लगा ली, अब टारगेट मिला है, वो टारगेट अचीव करना है। 2 मिनट के अंदर अंदर फ्रैंकलिन तूने इस ट्रैक पे जाके वापस इस जगह पे आना है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया तो हम फेल हो जाएंगे, और तेरी बाइक इनको इनके हवाले, और साथ में फिर पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करके देने पड़ेंगे। यार भाई पहले तो मुझे ये बताओ ना कि तुमने मुझे किस रेस का बोला था? अरे भाई इसी रेस का बोला था ना, ये तो स्टंट रेस है यार, तुमने स्टंट रेस मेंशन नहीं किया था, तुमने स्ट्रीट रेस मेंशन की थी।
यार भाई यही रेस थी, आपने पूछा ही नहीं, आपने बोला कि बस मैं पार्टिसिपेट करूंगा, फोन करके मैंने आपसे पूछा भी था। यार ये मैं कैसे लगा सकता हूँ? अरे अरे ये कर लेगा, ये कर लेगा फ्रैंक, क्या हो गया यार? कहां ये से कर लूंगा भाई, कहां से कर लूंगा? नहीं ये कल के बच्चों से भी मतलब गए गुजरे हुए हो तुम, ये अगर ये कर सकते हैं तो तुम तो यार बुड्ढे हो गए उस फील्ड में। एक मिनट, ये यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, तीसरा बंदा किधर गया? तीसरा बंदा रेस लगाते ऊपर से गिर गया और अभी उसका कोई पता नहीं है। यार ये यहाँ से कौन कैसे, मतलब मैं आई एम सॉरी यार, मैं कैंसिल करता हूँ। फ्रैंक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपका नाम ऑलरेडी उसमें लिखा गया है तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, वो जो इंचार्ज हैं इस ग्रुप के। कौन है, कौन इंचार्ज है? वो उधर ऑर्गेनाइज़र उधर खड़े हुए हैं, वो आप देख रहे होंगे, वो लंबे बालों वाले। मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं कैसे, एक मिनट यार इस बूढ़े से बात कर, तुम इधर ही रुको। कौन है? हेलो, ये रेस मतलब कि आखिरी नाम मेरा है, मैं ये रेस कैंसिल करना चाहता हूँ। फ्रैंकलिन, हाँ फ्रैंकलिन, ठीक है बच्चे कैंसिल कर दो और अपनी बाइक इनको दूसरे ग्रुप वालों को दे दो। हैं, रेस मैंने की नहीं तो कैसे दे दूँ? पर आपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है इधर। यार ऐसे कैसे मतलब, अच्छा ठीक है, मैं रेस लगाता हूँ जल्दी, फिर टाइम अभी 5 मिनट है आपके पास, स्टार्ट होने वाला है। अच्छा ठीक है यार, बाइक जाने से बेहतर है कि मैं ट्राई कर ही लूँ। क्या बना है, क्या बोलता है वो? ठीक है यार, मैं कहाँ से पहचाने का भाई, वो उस वक्त मरा हुआ था, अब लगानी पड़ेगी रेस। और क्या कहता है कि अगर तो क्यों खा रहे हो, एक तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10 लाख की, अगर तो तुमने नहीं करनी तो मुझे बताओ, मैं कर लेती हूँ। रहन दे भाई, बाइक अगर जानी है तो तेरे हाथों से क्यों जाए, रहन दे मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई करो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे हूँ तुम्हारे। हाँ यही तो डर रहा है। अच्छा ठीक है यार, ओके करते हैं यार, बाइक पे जाके बैठ जाओ ना फिर, अभी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, फिर जल्दी करो ना। हाँ ना एक मिनट, अच्छा यार ठीक है फिर जा रहे हो। हाँ ठीक है, मैं देख रही हूँ, मैं पीछे हूँ तुम्हारे। यार तुम क्यों टेंशन, कहाँ की टेंशन है तुम्हें यार? ठीक है यार, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, साथ ही गाना गुनगुनाते जाओ ना। चलो यल्ला फ्रैंक, तुम कर सकते हो फ्रैंक, यल्ला फ्रैंकलिन कर सकते हो। 2 मिनट है बस, हाँ 2 मिनट नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो मारे जाओगे। अच्छा स्टार्ट करूँ अब? हाँ फ्रैंक, 1 2 3 अभी मुझे ट्रैक जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा, जाना किधर से है? इधर से उसने बोला था कि इधर से ऊपर जाना है। टाइम स्टार्ट हो गया क्या? ओह शिट, यहाँ भी मेरा सर टकरा गया यार। ओह ये कैसा इन्होंने ट्रैक बनाया यार, ये स्टंट रेस पे किधर ये बाइक मेरी वर्क करेगी? बिस्मिल्लाह करके अब आ गया हूँ मैं आगे, देखो यार अब या तो बाइक जाएगी या तो मैं जाऊँगा। ये देख रहा इस बाइक का तो इधर से अभी सत्यानाश हो गया। नहीं यार इस बाइक पर मुझे भरोसा है। यल्ला ओ शिट 2 मिनट यहाँ पर ही पूरे हो जाएंगे यार, वापस कैसे जाऊँगा? एक मिनट। ओ नो यार, प्लीज़ इज्जत रह जाए मेरी। कैसे करूँगा भाई यार, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ यार भाई, प्लीज़ जाने दे। अरे, इस बाइक की ना एक्चुअली मैंने काफ़ी दिनों से सर्विस नहीं कराई हुई तो इस वजह से। ओके, अगले ट्रैक पे पहुंच गई हूँ, कितने मिनट हुए हैं पता नहीं। जाने दो। ओह नहीं यार, मैं नहीं कर सकता। नहीं, ओह शिट। ओह यार, बाल बाल बच्चे यार, ये रेस मेरे से नहीं होगी,
भाई यहाँ से अगर मैं गिर जाता, ओ बाप रे बाप, नीचे देख के ही मुझे डर लग रहा है यार। कैसे कैसे मैंने इस रेस में हिस्सा ले लिया मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। और ये यार ये कार रेसिंग है, कार स्टंट रेस है, बाइक का इन्होंने किधर बीच में डाल दिया। और इस रेस के लिए तो भाई 1-2 करोड़ मिलने चाहिए यार, 10 लाख के लिए ये रेस। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता भाई यहाँ से, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यार। यार ये बाइक मेरा साथ दे दे किसी तरह भाई, प्लीज उठ। इस शहजादे चल यार चल, आई कैन डू दिस।